की सरकार, की सरकार। ये आंदोलन फर्श से फर्श तक जाएगा, ये शोषित होगा, सारा दलित एक हो चुका है, पूरा दलित शोषण के खिलाफ है। जैसे कि आप के देख रहे हैं, ये बीजेपी सरकार जो मनुवादी सरकार जब से आई है, जब से दलितों पिछड़ों पे अत्याचार दिन के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इनके खिलाफ जब भी कोई आवाज उठाने के लिए कोई निकलता है, ये उठाकर उसमें राष्ट्रद्रोह रासुका लगा के उसे जेल में डाल दे। मैंने सारे चैनल बदल बदल के देख लिए, कहीं समीरपुर सहारनपुर की कहीं न्यूज नहीं थी, तो ये चीजें दबाई जा रही हैं। अब जो ये मीडिया है, ये आपके घरों में रखो इसे, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप और हमारा फेसबुक है, हम तो जाग गए और जाग के रहेंगे। अगर सभी भाइयों का साथ रहते ये आंदोलन विश्व स्तरीय आंदोलन होगा, और मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ अत्याचार होंगे वहाँ एक नई बीमारी का जन्म होगा, और बीमारी भी ऐसा काम करेगी कि इन लोगों को समता समानता के अधिकार पर लाकर खड़ा कर देगी। आतंक बचाने के लिए राम सेना, रणवीर सेना, बजरंग सेना, गौ सेना, गौ सेना ये बना रखी है, 1000 साल इनके कोई मार दे रहे हैं, ये चावे ये अरे सबसे बड़ी आतंकवादी है देश की। अब दलित दलित नहीं रहे, दलितों में चेतना आ चुकी है। बहन कुमारी मायावती मान्यवर काशीराम जी ने दलितों में जो चेतना लाए थे, उस चेतना का दूसरा परिणाम चंद्रशेखर के रूप में आया है। चंद्रशेखर भाई अगर हल निकले।